परीक्षा के 50 नंबर की सीरीज जीएस जीके विविध समसामयिक की कंप्यूटर उत्तर प्रदेश स्पेशल रीजनिंग इन सभी की महत्वपूर्ण सीरीज आपके बीच ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में मैं अपने बचे हुए समय में आपके लिए एक लाइव सेशन लेकर पुनः हाजिर हूँ। आप लोग अगर सरकारी शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। कॉपी कलम जब लेकर बैठेंगे तो जो प्रश्न में आपको संशय होगा या ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनकी विस्तृत व्याख्या हम करेंगे वो परीक्षा में आपको हूबहू मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सीरीज की आगाज करते हुए, क्योंकि यह सीरीज आपकी सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आधुनिक जो प्रश्नों की सीरीज आ रही है, जो प्रश्न बैंक है, उन्हीं के तहत यह तैयार किया गया है। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे शायद आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में सूची एक और दो को सुमेलित करना है, मिलान करना है। आइए ध्यान से देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बारे में दिया गया है। माने आपको यहाँ पर एक बात ध्यान से देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों वेद, अगर ये देखा जाए प्राचीन इतिहास का प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास का प्रश्न है, चारों वेदों की बात का है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, स्रोत है वो प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल ऋचाओं की बात करें तो 10,552 ऋचाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेद किस देवता को समर्पित है, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ये किस देवता को समर्पित है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो जो यजुर्वेद है ये कर्मकांड, इनके जो स्रोत हैं इनमें स्रोत में कर्मकांड वर्णित हैं। अगर सामवेद की बात की जाए, मतलब सामवेद, तो ये संगीत में है। मैंने अगर देखा जाए भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है, किस वेद को माना जाता है, तो उसका उत्तर होगा सामवेद। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, आप लोग ये बात भली भांति जानते रहेगा, इस बात से भली भांति परिचित रहेगा कि यहाँ से जो प्रश्न अगर आएगा तो परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। अब फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर करिए जितने लोग इस वीडियो में जुड़े हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, कुल 20 अध्याय हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वंशीकरण, माने जादू तोड़ने वाला जो मंत्र है वो अथर्ववेद है। दूसरी बात, किस वेद में गायत्री मंत्र वर्णित है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए आपको अब इस दिए गए प्रश्न में विकल्प बताना है, कौन सा विकल्प आपका सही है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्लियर हो गया सबका। चलिए, गायत्री मंत्र किस वेद में है और किस देवता को समर्पित है, दोनों प्रश्न का जवाब आपको जल्दी से देना है। अगला सवाल आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा, एक प्रश्न आया है रोहित जी का कि इनके वेद के उपवेद भी बताने के लिए। तो रोहित जी, आपके लिए एक मैराथन क्लास लगने वाली है, मुझे लगता है 1 से 2 दिन के बाद वो मैराथन क्लास लगना शुरू हो जाएगा। तो उसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, आर्थिकी भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, इस तरह के जब सेशन लेंगे तो हम हम और अच्छे तरह से बता देंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं आज की सीरीज थोड़ी सी जल्दी समाप्त हो जाए। तो अगर इसमें आप लोग सहयोग कर ठीक है, वरना उपवेद बताते हुए चलेंगे, मुझे इसमें कोई आपत्ति या कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो भैया कमेंट करते रहिए, हमारा उद्देश्य यही है आपका सिलेक्शन। हम पूरा आराम से बताते हुए चलते रहेंगे, डिफाइन करते हुए, मुझे कोई भी इसमें दिक्कत या नहीं है कि नहीं अद्रोगे सर को याद नहीं है, आ नहीं रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां भी आपको लगे कि नहीं चीज़ों को बताना है, चीज़ों को पढ़ाना है, तो हम आपको एक एक कर आराम आराम से बताते चलेंगे और पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। उसका प्राचीन नाम क्या है, जैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक बौद्धिक ग्रंथ है, इसकी रचना सप्त प्रदेश थी वहां पर हुआ था। फिर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 3 पाठ है, साकल, बालखिल्य, वास्कल, दूसरा और सातवां सबसे पुराना है, पहला 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अगर आप कहेंगे तो पूरा टॉपिक हम अलग अलग ले लेंगे मैराथन में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस प्रश्न का सही विकल्प है रुम्बन देई का स्तंभ अभिलेख। जी हाँ, आइए इसके बारे में जान लेते हैं।
अशोक के रुमंदई अभिलेख के अनुसार अशोक के जो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया था और उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान समय में जी हाँ किस देश में है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके मेरे प्यारे शिक्षक साथियों बताइएगा कि लुम्बिनी इस समय किस देश में है। आपकी संख्या बहुत ही कम है, आप लोग सपोर्ट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इससे बेहतर सीरीज पूरे YouTube पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जहां पे परीक्षा के आधार पर प्रश्न बैंक की सीरीज आती है और विस्तृत व्याख्या हम आपके बीच करते हैं। अगला है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि महावीर स्वामी जो थे उनको किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। महावीर जो स्वामी हैं इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था कुंड ग्राम वैशाली के निकट, जो वाजिक संघ राज्य था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा था। 30 साल की उम्र में ये तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। महावीर की पुत्री भी थी जिनको हम क्या नाम जानते हैं, अनुज्ञा प्रदर्शनी भी कहते हैं। और 42 जब वो 42 वर्ष की लगभग उम्र में पहुंचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कहीं 42 मिलेगा किसी किताब में 40 मिल जाएगा, जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य माने सर्वोच्च ज्ञान उन्हें मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता अहर पूज्य निर्ग्रंथ बंधहीन कहलाए और बाद में आगे चलकर 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ऋजुपालिका इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। लेकिन ऋजुपालिका नदी के तट पर कहां पर हुआ था, जुम्बिक ग्राम में। कहां पर, जुम्बिक ग्राम में। ठीक है, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब लास्ट में दूंगा, जो व्यक्तिगत सवाल होंगे आप लोग मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, ऋजुपालिका इसका सही जवाब है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। सभी साथी जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके बताइए। देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है यह गुप्त काल से संबंधित है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, इस देश के निर्माताओं, यह किससे संबंधित है, गुप्त काल से है। इनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान, ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला का सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन भी करती है। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो क्या है, बी है। जितने लोग पढ़ते जा रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, उनको पीडीएफ के लिए चलाते हैं, पीडीएफ से ज़्यादा इसकी तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए, आपके पास प्रश्न बैंक तैयार हो जाएगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे हमारे सामने आपके सामने भारतीय संविधान के सवाल हैं। संविधान में सवाल में देखते हैं कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। याद रहे कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। बताइए सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। ऐसी सीरीज अगर YouTube पर मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल, याद रहे राज्य के अगर बात करते हैं राज्यपाल की तो राज्य मंत्रिमंडल होता, लेकिन अगर यहाँ सेंट्रल की बात हो रही है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा। यह वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होता है। जी हाँ, इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प डी होगा। अगला सवाल, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो क्या है। देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन देता है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये अभी हाल ही का ट्रेंडिंग सवाल है और यह अभी हाल ही की परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन मैंने इलेवन में दुर्गेश पे पढ़ाया था। जिन लोगों ने UP SSC की परीक्षा दी होगी उनको ये प्रश्न याद होगा और हमने पढ़ाया हुआ है, इसलिए किसी की गलती भी नहीं हुई होगी। बताइए बताइए, देखिए याद रहे अधिकतम संख्या की बात कही गई है तो यहाँ पर कितना लगाएंगे। अधिकतम संख्या यहाँ पर अगर विकल्प में ऐसे तो कितना है, ध्यान दें, 543 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दो आंग्ल भारतीय को जो मनोनीत किया जाने की प्रावधान था कुछ समय के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, प्लस 7 सदस्य अधिकतम, अर्थात कुल 552 थे, लेकिन दो सदस्यों को अभी हाल ही में
अगर यहाँ पर विकल्प में अगर 552 होता तो हम इसको सही लगाते, किंतु विकल्प में 552 नहीं है, इस दशा में हम 550 का चयन करेंगे। याद रहे, यदि 552 विकल्प में नहीं है उस दशा में ही हम 550 का चयन करेंगे, अन्यथा हम 552 का ही चयन करते, यह बात याद रखिएगा आप सभी लोग। क्यों? क्योंकि 543 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 530 सदस्य राज्य से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। अभी जो दिल्ली पुदुचेरी का कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर उसके पहले का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, इसमें 13 में भी 7 केवल दिल्ली से और प्रत्येक से एक एक चुनकर आते हैं। ठीक है, याद रहे, इस प्रश्न में अगर विकल्प 550 होता तो वहां लगाते, लेकिन दो जो अंग्ल भारतीय थे उन्हें कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है संविधान संशोधन करके, इसलिए इनकी संख्या 550 होगी। विकल्प के आधार पर प्रश्नों का हमें चयन करना होगा परीक्षा हाल में। याद रहे, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया उन सभी को दिल से थैंक यू। जी हाँ, विज्ञान की भी क्लासेस 1 से 2 दिन के बाद भी कंटिन्यू हो जाएंगी, बस धैर्य रखिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब की बार एक सीट हमार। अगला है, भारतीय संविधान में के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? जितने लोग ऑनलाइन क्लास या घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके घर बैठे संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क आपके लिए संचालित की जा रही है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे, और भाग की बात की जाए प्रारंभ में कुल 22 भाग थे। अगर अनुसूची की बात की जाए तो प्रारंभ में जो अनुसूची थी उनकी संख्या 8 थी, लेकिन अब देखा जाए तो 450 से ज़्यादा अनुच्छेद। भाग की बात की जाए तो लगभग 25 भाग, और अगर अनुसूची की बात की जाए 12 अनुसूचियाँ हैं। ये वर्तमान में है और ये सब मूल संविधान में है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, ये तथ्य को अब जानते रहिएगा, इन तथ्य को समझते रहिएगा। क्या पढ़ाने में कोई कमी है क्या? आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप की स्टेटस पे डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, लोगों को बताइए क्लास के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। मतलब यह है, भाग की बात करेंगे तो भाग 4 क है, अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 क है, अगर इनमें कुल मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो 10+1 अर्थात 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में 10 थे, लेकिन बाद में 6वें संविधान संशोधन 2002 के बाद कुल इनकी संख्या 11 कर ली गई। वैसे यह है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, सभी नोट्स उपलब्ध हैं आपके, जितने भी नोट्स आपको परीक्षा में है सभी नोट्स इलानी भी दुर्गेश को उपलब्ध हैं। याद रहे, यह रूस लिया गया है जिसको पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से अगर एक भी प्रश्न आपका आएगा तो यकीनन गलत नहीं होगा, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में संविधान में जोड़ा गया, जबकि यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। क्या आप लोग को तैयार हो गया? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर करिए, मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि ऐसे कंटेंट YouTube पर नहीं उपलब्ध हैं, लोग प्रश्न का उत्तर बताते हैं बस। हमारा उद्देश्य है कि एक भी प्रश्न अगर यहां से आ जाए तो थियरी आपकी तैयार हो जाए बस। 2 दिन के बाद मैराथन और लगने वाली है, 2 दिन के बाद मैराथन क्लास लगने वाली है, बस 2 दिन। करंट की सीरीज लगभग समाप्त है। देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? एक छोटा सा ट्रिक इसका मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने इलानी विदुर्गेश पर लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे या मेरी भारत की भूगोल की सीरीज पढ़ी होगी तो वहाँ पे मैंने इसको पूरा पढ़ाया हुआ है। माना ये हमारा भारत है, इसका ट्रिक है पंगू राज। क्या नाम है? पंगू राज। देखिए, प से हो गया, क्या हो गया? प से पंजाब, ग से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पे कितने राज्यों की? 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं ध्यान से देखें, कितने यहाँ पर 4 राज्यों की सीमा लगती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कौन सा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है और उसको यहाँ पे सुधारना होगा। बताइए, अब देखिए यहाँ पे कई चीजें आपको यहाँ पे जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी चूज करेगा पाकिस्तान में सीमा का स्पर्श करने वाले। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले तो
पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। माने इस प्रश्न का उत्तर है बी है, लेकिन कश्मीर और लद्दाख दो हो गए 31 तारीख से। कब? 31 अक्टूबर 2019 से दो केंद्रशासित प्रदेश हो गए। कितने? दो केंद्रशासित प्रदेश हो गए। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? जी हाँ, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सभी क्लास कंटिन्यू होगी जब जिस दिन संख्या आप लोग 1000 के पार पहुंचा देंगे, ऐसी सीरीज हम यूट्यूब पर लाएंगे आपके लिए जो पूरे इतिहास बनेगी और आपको सिलेक्शन दिलाकर छोड़ेगी। आप साथ दीजिए, हम आपको परिणाम देंगे। बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी। हाँ, आप तो लद्दाख मैंने बताया ना, तो लद्दाख भी जुड़ गया है। अब मैंने बताया यहाँ पे जम्मू में दो चीज़ें हो गए, एक तो लद्दाख हो गया और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ये बात याद रखिएगा। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने बताया है रावी, सतलज, चिनाब। तो यहाँ पे कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है? वह नदी जो दो या दो से अधिक राज्यों में बहती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। सतलज, इसे सतलुज भी कहते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह तिब्बत आधिपत्य चीन, मतलब चीन आधिपत्य तिब्बत के मानसरोवर झील से के पास राकस ताल से निकलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए यह शिपकिला दर्रे के पास यहाँ से निकलती है। यह है शिपकिला दर्रे के पास से यह हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय श्रेणी को काट कर गहरे गाज का निर्माण करती है, फिर आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह बी होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? बी है। जी हाँ, एक ऐसी सीरीज हम लेकर आएंगे जब परीक्षा से बाहर निकलेंगे एक ही आधा नाम आएगा, इन लर्निंग विद दुर्गेश। आधे से अधिक प्रश्न हम अपने मैराथन की सीरीज से फंसाएंगे, आधे से अधिक प्रश्न। जी हाँ, अगर डेली आपने क्लास पढ़ी है 9:30 बजे वाली, तो यकीनन मानिए आपके जितना हमने पढ़ाया है इससे 80% ज्यादा प्रश्न आप सही करेंगे। लेह अवस्थित है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो भी नए आ रहे हैं वो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें दुर्गेश सर सर्च करके। मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, बेल आइकन दबाने के लिए नहीं कहता, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए कहता हूं। क्यों? क्योंकि लोगों तक पहुंचाइए, कर भला तो हो भला। लेह कहां पर है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए, लेह की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य में लेह है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। लेकिन 31 अक्टूबर से लेह जो है अब कहाँ पे आ गया है? अब लेह लद्दाख में आ गया है। अब लेह कहाँ पे आ गया है? लद्दाख में। इसलिए अब अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो लद्दाख अगर विकल्प में है तो लद्दाख लगाएंगे, नहीं तो सिंधु नदी के दाएं तट पर लगाएंगे। अब प्रश्न के विकल्प के आधार पर आपको चयन करना है, क्योंकि आपने देखा कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर दो नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से विभाजित हो गया है। मलमपुझा बांध किस नदी पर है? भरतपुझा, कोरापुझा, मलमपुझा, पंबा, यह आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। यह केरल में है। यह नदी कहां पर बहती है? केरल नदी पे, केरल राज्य में बहती है। और यहां पे सिंचाई परियोजना और देखा जाए तो पलक्कम, देखिए यहां पे एक जिला है आपका, कौन सा जिला है? पलक्कड़म, पलक्कड़, एक पलक्कड़ जिला है यहाँ पे। यहाँ पे अवस्थित है, क्या नाम है उसका? उसका नदी का नाम है यही मलमपुझा। यह मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर है और यह पलक्कड़म जिला में है। और यह जिला कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है। मैंने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उनके जवाब सही है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार, कहने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा मालिक। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है, आप सभी को दिख रहा है। यार इतना खराब पढ़ाते हैं कि आप लोग वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, हद है कि आप लोगों ने लाइक तक नहीं किया है। और ऐसे लोग कहते हैं सर मैराथन लेकर आइए, सब नोट्स फ्री में दीजिए, खुद सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं करती। चलिए, सूची एक को दो से मिलाते हैं, एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ उत्पादित स्थान। ये हमने करण की सीरीज में आपको पढ़ा दिया है, रबड़ के पौधे के लिए कैसी जलवायु की जरूरत पड़ती है, गर्म जलवायु की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह केरल रबड़ जो है केरल में, त्रिपुरा में, कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? इन क्षेत्रों में मिलेगा। तो बताइए
यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सॉरी देखते हैं यहाँ पे, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। यहाँ पे मतलब जूट है पश्चिम बंगाल से, ये चाय असम से, ये गन्ना उत्तर प्रदेश, रबड़ हिमाचल प्रदेश नहीं है, क्योंकि ये गर्म स्थानों पर होता है जहाँ पे जलवायु गर्म हो। भारत में अगर देखा जाए तो केरल में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में, इन जगहों पर यह आपका मिलता है, इन जगहों पर ये पाया जाता है। मतलब जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, तो तमिलनाडु में, असम में, यहाँ तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु है, असम है। भारत में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक केरल है, सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, केरल है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर, तो याद रहे 2007 से हैदराबाद में इसकी शुरुआत की गई है या यहाँ से संचालित की जा रही है। मतलब जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर हैदराबाद बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम, क्या होगा। बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने, चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है जहां से प्राय परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो फटाफट कमेंट करिए। इस समय आप लोग लाइव सीरीज पढ़ रहे हैं लेने पर दुर्गेश पर। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो लौह इस्पात कारखाने के बारे में कहां पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर जापान होगा। कैसे, जापान में लोहे एवं कोयले के बड़े भंडार मिलते हैं ना, नहीं इनकी कमी पाई जाती है, जापान में लोहे की कमी पाई जाती है, कोयले की बृहद भंडार कमी मिलती है। यह विश्व के कई देशों से उच्च कोटि लौह खनिज को कोयला आदि मंगाते हैं और फिर उससे बंदरगाह, समुद्र तटीय नगरों में जहां इस्पात अधिकांश होता है वहां पर इसे पहुंचाते हैं। इसलिए यहाँ पे कारखाने ज्यादा मिलते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे कारखाने इसलिए ज्यादा मिलते हैं, इनके यहाँ बहुतायत होते नहीं, ये अन्य देशों से लाते हैं और उसको कारखाने में इस्तेमाल करते हैं। जिसको साफ नहीं दिख रहा है तीन दाड़ बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्था विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता, सभी लोग बताइए। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF का गठन 1995-96 में हुआ था। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड व्यवस्था करना होता था और यहाँ पर ग्रामीण में जल की पूर्ति, सड़क, विद्युत आदि आते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, जो गलत है वही सही है। ग्रामीण जलापूर्ति होती थी, सड़कें, विद्युत, लेकिन ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सबको आता होगा। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया था, केंद्र सरकार ने, किसने, केंद्र सरकार ने 2001 में शुरू किया था। इसके तहत मतलब प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, इसमें राज्यों की भी सहभागिता थी, शिक्षा की गारंटी योजना, अनूठी शिक्षा। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो सभी लोगों ने एकदम सही बताया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात यहाँ पर की गई थी। माने डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं, डी वालों का उत्तर सही है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब,
जल्दी जल्दी बताइए, 2008, 2009, 2010, 2011 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? इसके द्वारा क्या होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है, वन प्राकृतिक संसाधन के जो मामले यहां पे निपटारा किया जाता है, 18 अक्टूबर 2010। मतलब इस प्रश्न का उत्तर है, हाँ आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आता उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी के साथ साथ आपको बेहतर और बेहतरीन नोट्स भी तैयार होकर मिल जाएगी, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार सिलेक्शन जो लेना है। नीचे दो वाक्यांश दिए गए, कथन, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं ये जलवायु का सही सूचकांक है, ये कह रहा है कथन में कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये बात बताइए, कह रहा है कथन मतलब प्राकृतिक जो वनस्पतियां होती हैं जलवायु का सही सूचक होती हैं, जब वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक वनस्पति में ही परिवर्तन होता है। जलप्रिय माने वाटर लविंग प्लांट्स, जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है, कथन ए और आर सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कथन सही है, कारण कथन दोनों सही, इसका स्पष्टीकरण भी सही, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए इसका सही जवाब है। जितने साथी मित्रों ने, देखिए आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग है और ऐसे प्रहर सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, सभी लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए जुड़े रहिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर सब कुछ मिलेगा। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बताइएगा, जलमंडल, जियोम, स्थलमंडल, जयमंडल, मतलब हाइड्रोस्पियर है, लिथोस्पियर है, बायोम है कि बायोस्पियर है, बताइए सबसे ज्यादा क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे गलत चाहे सही, मानिए परीक्षा हाल में बैठे हैं आप, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि सबसे ज्यादा जयमंडल होगा, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्पियर के नाम से जानते हैं, जयमंडल है, सॉरी आइए मैं इसके पहले अच्छे समझा देता हूं क्यों यही होगा, खूब ध्यान समझिएगा, सब लोग ध्यान समझिएगा, बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए सब समझ लीजिएगा, देखिए जयमंडल की अगर हम बात करें, जयमंडल मिट्टी, चट्टान, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी की चारों तरफ आवरण के रूप में फैली है, यह सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, इसके साथ जीवित जीव संबंधित है, यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है, इस प्रकार एक जैविक बायोटिक अजैविक दोनों संगठन इसके अंतर्गत आते हैं, जितने तीनों पारिस्थितिकी तंत्र जयमंडल के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब अगर यहाँ पे जयमंडल ना होता तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होता, जलमंडल होता, कैसे आइए इसके बारे में जान लेते हैं, कैसे मैं एक एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे हो गया, ये मान लीजिए आपका जलमंडल हो गया, ये मान लीजिए आपका वायुमंडल हो गया, अब फिर नीचे ये आपका हो गया स्थल मंडल हो गया, ठीक है, ये तीन मंडल है, अब इसके अंतर्गत आपका बायोस्फीयर हो गया, क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो गया, मतलब यहाँ पे जयमंडल ये तीनों मंडलों में फैला है, अगर ये विकल्प में ना होता तब आप जलमंडल लगाते, यहाँ पे ये विकल्प में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी लगाएंगे, याद रखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, डी कब होगा, अगर जलमंडल ना होता, अगर यह विकल्प में ना होता तब आप इसका चयन एक रूप में जलमंडल के रूप में करते, दोनों बातें याद रखिएगा, परीक्षा हाल में जिस समय होंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा कि जब दोनों जलमंडल और जयमंडल दोनों होगा तब वहां पे आप जयमंडल का चयन करेंगे, अगर जयमंडल नहीं है तब आप जलमंडल का चयन करेंगे। आगे, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, डायनमो, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, सभी लोग फटाफट बताइएगा। देखिए विद्युत युक्ति जो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट AC को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट DC बदल देती है, इसलिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आप सभी का होगा
रेक्टिफायर के द्वारा, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। जी हाँ, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा सभी लोग जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। रेक्टिफायर के द्वारा जो विद्युत युक्ति होती है, इलेक्ट्रॉनिकल जो डिवाइस होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट जिसे आप एसी कहते हैं को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी में बदल देती है। अर्थात इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा, डी यहां पर सही होगा। डी वालों के जवाब राइट आंसर है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्या हुआ, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्या यार? लाइक तो कर दीजिए, पैसा नहीं कटता यार, कितनी बार आप लोग को बताया जाए। पता है बाद में कोई देखेगा तो लगेगा हाँ यार दुर्गेश सर ने अच्छा पढ़ाया था। आपको नहीं लगता क्या, कुछ लोग को लगता होगा पैसा वैसा मिलता होगा, ऐसा नहीं है मालिक। अगला, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, आवृत्ति, आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य, ये साइंस के सवाल हैं। फिर कह रहा है बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग। भैया सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है आपको, सरकारी शिक्षक बनना है, तोड़ तोड़ कर पढ़ना होगा। देखिए ध्वनि की जो है जो प्रबलता होती है या मृदुता होती है उसके आयाम से ज्ञात की जाती है। किससे, उसके आयाम से ज्ञात की जाती है। वास्तव में प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता मापी जाती है। अर्थात इस प्रश्न का अगर सही विकल्प आपको चूज करना होगा तो हम लोग विकल्प बी आयाम का ही चुनाव करेंगे। परीक्षा में गलती मत करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट के तापमान एक होगा, ये बार बार रटा रटाया प्रश्न होता है। देखिए इसका फॉर्मूला भी ये है, सी 500 होता है इक्वल टू सी एफ होगा फारेनहाइट -32/9। ऐसे होता कितना है, ये सी बटे 100 होता है बराबर एफ -32/180 होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है, लेकिन हल करके आएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि -40°C पर, याद रहे रट लीजिएगा, -40°C पर डिग्री ऑफ फारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। एकदम रट लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल परीक्षा में हूबहू आता है और आप परीक्षा में तुरंत टिक करिएगा और आगे बढ़िएगा। जैसे अगर एक प्रश्न आता है, अगर झील के ऊपर बर्फ जम जाए तो मछलियाँ कैसे जीवित रहेंगी, क्योंकि 4°C पर तापमान में अधिकतम होती है, आयतन अधिक होता है, इस तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि वो पेंद में चली जाती हैं, जमीन के नीचे न जाकर नीचे तली में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ नहीं जमता, क्योंकि वहाँ का जो अधिकतम अगर देखा जाए घनत्व तापमान की बात की जाए तो वहीं पर होगा। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग वाला रंग क्या है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी। जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं बताकर कमेंट करके बताइएगा। सबसे अधिक, देखिए दोनों है, सबसे अधिक सबसे कम दोनों निकालते हैं हम लोग। सबसे अधिक दोनों को हम लोग निकालेंगे। अगर हम लोग सबसे कम की बात करें, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं ध्वनि की जो प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता है वो तरंग दैर्ध्य से मापी जाती है, गलत। जाके पढ़ लीजिएगा अन्य किताबों में, एनसीईआरटी नोच लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर होगा बी। अब यहाँ पे देखते हैं 24 को ध्यान से देखिएगा। लाल रंग में सबसे अधिक होता है, लाल रंग में सबसे अधिक, सबसे कम किस में होता है, बैंगनी रंग में। कितना होता है याद रहे, अगर हम देखा जाए कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 7.5 -5 cm होता है। अगर हम बैंगनी रंग की बात करें सबसे कम होता है 4×10⁻¹⁵ cm, मतलब यहाँ पर ये बैंगनी का होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सबसे कम पूछा है तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम तो यहाँ पे बैगनी होगा, माने यहाँ भी प्रश्न का उत्तर डी होगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ अच्छा, कम है इसलिए बेगम छिप जाता है, याद रखिएगा कम है इसलिए बेगम छिप जाता है, सभी लोग याद रखिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें, आपके काम आएगा।
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है और लोग गलती कर जाते हैं। ये सामान्य विज्ञान का सवाल है, जनरल साइंस की फिजिक्स का सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग, मतलब अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई, अगर हम ऊंचाई मान लेते हैं यक्ष है, अगर व्यक्ति की जो ऊंचाई हाइट है अगर यक्ष मान लेते हैं, तो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए गुणे 1/2, माने यक्ष बराबर यच गुणे 1/2 करेंगे तो हो जाएगा यच बाई टू, माने वहां पर ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। माने इस प्रश्न का होता है समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी क्या चाहिए, बराबर व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई, यहाँ व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ये एकदम याद रखिएगा, ये हमेशा आपके काम आने वाला है, ये रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ऐसे सामान्य प्रश्न अगर सामान्य विज्ञान में आएंगे, ये अनिवार्य सारे प्रश्न हैं, और अगर आपने यहाँ पे गलती किया तो परीक्षा हाल में बताइए क्या हर्ष होगा आपका। डेली क्लास टाइम पे लाइव है, कभी आप लोग गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं। अगला सवाल फिर से देखिए आपके सामने, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। यह प्रश्न एक बार आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, यह रिपीटेड प्रश्न है, अगर आप डेली क्लास पढ़ रहे होंगे तो यकीनन इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे। माने यहाँ पर अगर आपको जवाब देना होगा तो क्या बताएंगे, देखिए असम भी है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। अब आपको बताना इसमें से कौन सा होगा। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, इस विकल्प के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो केवल यहां पे त्रिपुरा होगा। ये सभी केवल 80% सही होता है, 20% नहीं, ठीक है। अगला है 27 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिया, उस्मान, चित्रावली, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए ध्रुवदास का, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, उस्मान, चित्रावली, लेकिन जो रसखान है, याद रहे जो रसिक प्रिया है ये किसकी रचना है, ये रसखान की रचना नहीं है, ये रचना किसकी है, ये केशवदास की, किसकी है, इसलिए ये गलत हो गया। और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि हमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। और रामचंद्र का एवं कवि प्रिया, ठीक है, केशवदास की अन्य रचना अगर रामचंद्र का है, कवि प्रिया है, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, रचना भी आपके सिलेबस में है। चलिए एक प्रश्न थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइप हो गया, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमादानी। देखिए आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, थोड़ा तेजी से जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 28, चौथ, इसका उत्तर क्या होगा, चौथ, चौथ उन स्थानों से लिया जाता था, उन प्रांतों से लिया जाता था जिसे हम मुगलई कहते थे, इस कर के बदले पड़ोसी राज्य को मराठों के आक्रमण लूटपाट से बचने का आश्वासन मिल जाता था। अगला, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की, तो इसका उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह है, वीरेंद्र सिंह घोष है, पुलिन बिहारी है, इसका उत्तर क्या होगा, विनायक दामोदर सावरकर, इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर थे, मित्र मेला संगठन शुरू किया था, बीडी सावरकर का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज, यंग इंडिया सोसाइटी के नाम क्रांतिकारी संगठन के रूप में भी स्थापित किया था। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश से बैगनी विकिरण अभिक्रिया में से निम्न में से क्या पैदा करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड,
बताइए क्या पैदा करती है, सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए जो समताप मंडल हमारा होता है इसमें ओजोन पाया जाता है, ओजोन की परत को ओजोन मंडल कहते हैं। तो समताप मंडल में ओजोन का जो निर्माण होता है वो परावैगनी किरणों से होता है, अल्ट्रावायलेट रेस से होता है। ये संपूर्ण क्रिया दो चरण में होती है। पहले चरण में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो उच्च ऊर्जा ऑक्सीजन O2, दूसरे चरण में ऑक्सीजन की तीसरी तीन परमाणु मिलकर मैंने O3 निर्माण करती है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक समताप मंडल परावैगनी किरण उपस्थित रहती है, मैंने यहाँ पर ये O3 बनाती है। क्लियर। पृथ्वीव्या प्रथम वीर है, पृथ्वीव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी, समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोवर्ष की, गौतमी पुत्र सत्कर्णी की, बताइए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर क्या होगा, समुद्रगुप्त की किसकी होगी, समुद्रगुप्त की होगी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया जिसके बाद उसे पृथ्वीव्या मां पतिरथ की उपाधि ग्रहण की। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर। विक्रमशिला विहार कौन, किसकी स्थापना किसने किया था, बताइए। विक्रमशिला बताइए फटाफट। विक्रमशिला धर्मपाल, ठीक। देखिए धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों से उसे परम सौगात भी कहा जाता है। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल को स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ये पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखे 1848 जैतपुर संबलपुर 1949 बघाट, अट्ठारह पचास बघाट, फिर उदयपुर, अट्ठारह झांसी 53 नागपुर, 1854 करौली, अगर हम शायद 55 है, 1855 है करौली, तो यहाँ पे याद रखिएगा। इस हिसाब से अगर पूछा जाए तो 17 सबसे पहले हुआ, माने बी वालों के जवाब सही हैं। संबलपुर 1849 झांसी 1853 ठीक है। अगला, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, कृषि मिशन कब, ये इसका भी सन आपको याद करना। वैसे मैंने सभी सन को पढ़ा दिया है, अगर आप डेली क्लास पढ़ रहे होंगे लेनी भी दुर्गेश पत, आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और कहा समय आ गया है जब सम्मान के तगमे अपमान के भेद के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं, यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कथन है। यहां पर अगला सवाल है, निम्न में से कौन अब भारत के तेलों की कीमतों का निर्धारण करता है, बताइए। वित्त मंत्री, राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनियां, बताइए।
तेल कंपनियां, कौन तेल कंपनियां, ये मैंने पढ़ाया है, रिपीटेड सवाल है, तेल कंपनियां, यार संख्या बढ़ने की जगह घट रही है, क्या पढ़ाने में कौन सी कमी रह जाती है कि आपकी संख्या घटने लगती है, बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादन किया था एसआर सरकार, कस्तूरी भाई लाल भाई ने, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, बताइए जल्दी कमेंट करके। तो देखिए 1944 में जो गांधीवादी अर्थशास्त्री थे किसने किया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल, मैं समय नहीं लूंगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल, भारत के आर्थिक नियोजन के लिए योजना प्रस्तुत की थी, गांधीवादी योजना के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा, यह है 17.70। अगर हम पूछा जाए 91 से लेकर 1 तक क्या था, अगर ये पूछा जाए 1991 से लेकर 2001 तक क्या प्रतिशत रहा, तब वह 21.54% था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। याद रखिएगा यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित की गई, ये नोट्स में भी था, ये लगभग 22 से 25 दिसंबर 2020, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, कह रहा है 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार किस फिल्म को मिला, बताइए। इसमें से अगर देखा जाए तो 6 फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय और 14 फिल्मों को राष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कृत किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित जो फिल्म सर्वोच्च पुरस्कार मिला वो जर्मनी का कौन सी फिल्म था, एंड्रियाज एक्सेल द्वारा निर्देशित द इंसेक्ट्स टेक्स यूअर, ठीक। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 दिसंबर 2020 को देशभर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस की मनाया गया, केंद्र सरकार ने इस वर्ष को दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है वहीं से के बाद से यह मनाया जाना शुरू होता है। 24 दिसंबर 2020 को स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप के शुभारंभ किया गया, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रविंद्र शंकर प्रसाद, तो बताइए। तो थावरचंद गहलोत ये केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री थे तब, अस्वच्छ शौचालय मेहतर सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान करें उनकी जियो टैगिंग करने के लिए विकसित किया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है हमने सीरीज में पढ़ाया है, एक राष्ट्रीय होता है एक अंतरराष्ट्रीय होता है, दोनों के बारे में लाख देखिए विश्व उपभोक्ता यह है आपका 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता कब मनाया जाता है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है ये 24 दिसंबर 1986 को 24 दिसंबर 1986 को जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था कानून उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिएगा, 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के फिल्म संबंधित 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय करने की मंजूरी, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय
बाल फिल्म सोसाइटी, फिल्म समारोह निदेशालय, और ये गलत है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। इसकी जगह पे था आपका फिल्म डिवीजन, फिल्म। तो एक, दो, तीन, ये चार हो गए। मतलब भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म डिवीजन, ये चार हो गए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो नहीं पूछा है तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अब आते हैं सवाल, रीजनिंग का सवाल है। यहाँ 22 है और दूसरी तरफ 55 दिया है, फिर 48 दिया है, जरा बताइए कैसे लगेगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके इसका उत्तर क्या आएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम पर जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाएंगे, चाहे फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश, सभी लोग। चलिए इसको देखते हैं कैसे हल होता है, हम भी आपके साथ। देखिए ये है, इसको दो से डिवाइड करके, देखिए डिवाइडेड बाई टू इंटू फाइव, माने 22 बटे 2 गुणे 5, 11 पचे 55, वैसे 48 बटे 2 गुणे 5, 2 से कटेगा तो 24 पचे 120, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 120। क्लियर सभी का? 120 वाले जवाब सही है। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला है रजनी के सवाल है। देखिए जिस तरह का सवाल है पहले तो कोडिंग कर दिया करिए। यम हो गया 13 1 7 13 1 7 14 5 20, 23 8 17 10 4 16। देखिए 13 था, 13 3 16, 1 3 4 7 3 10, 14 3 17, 5 3 8 और 20 3 3, माने पीछे तीन तीन जोड़ा है। तो यहाँ पर हो गया यफ का हो गया 6 18 1 22 4, यस का 19। अब इसमें से देखिए ऐसे जुड़ेगा, इसमें चार जोड़ेंगे, 13 3 13 3 16 4 3 1 3 जोड़ेंगे, 19 3 22 22, यहाँ पे हो जाएगा 19, 13 3 16 ना, ये पहले होगा तो 19 होगा। इसमें 19 में तीन जोड़े क्या हो जाएगा? 19 3 22 होगा, ये हो जाएगा 22। फिर है आपका 4 4 में तीन जोड़ेंगे 7 7, माने जी, मतलब जी। फिर 22 22 में तीन जोड़ेंगे 25 25, माने वाई। अच्छा ऐसे लिखते हैं यार, सीधा कोड ही कर देते हैं ना, 22 पे वी, 7 पे आपका जी, 25 पर आप 24 होगा ना, अच्छा 22 है क्या, यू 21 पे 21 21 21 3 24, 24 पर आपका हो जाएगा यक्स। फिर है आपका 1 1 में तीन जोड़ेंगे 4 डी, 4 माने डी। फिर हो गया 18 3 21 21 माने यू, 6 3 9 आई, माने वी जी एक्स डी यू आई। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? बी। मतलब पहली लाइन से आपको मिल गया, पहला अक्षर आपने खोजा, मतलब पलट के प्लस तीन जोड़ दिया है। नीचे विषम अक्षर को चुनना है, जरा बताइए विषम कौन सा है। देखिए ये हो गया 9 11 16 14 2 4 19 और 21, सब में दो दो का अंतर है क्या? सब में दो दो का अंतर है, सब में देखिए यहाँ पे प्लस दो है, यहाँ पर भी प्लस दो है, यहाँ पर भी प्लस दो, यहाँ पर माइनस दो है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। हर जगह प्लस दो है, केवल एक जगह माइनस दो है। ठीक है, इसकी नोट्स उपलब्ध, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन नोट्स ले सकते हैं, ई लर्निंग पे दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए कूट भाषा में ट्रेंगल को ये लिखा है, जरा आप लोग भी लिखिए। देखिए आसान तरीका है, ट्रेंगल को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 18 I 9 1 14 7 12 5। तो यहाँ पे देखिए 19 का 20 का 19 किया है ना, तो कंप्यूटर को पूछा है,
कैसे बना है जी? सुब फॉर्म हो गया। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अच्छा ऐसे बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 19 है, ये हमारा 21 है, 2 है, 10 है, 8 है, 15 है, 6 है, 13 है। देखो 20 से 21 किया है, एक एक छोड़ के बनाया है। देखिए यहाँ 20 है, इससे 21 पे लाया है, 18 है, तो इसे कहाँ लाया है, 19, मतलब पीछे शुरू करें अगर हम लोग तो पीछे से इसे लाया है। ध्यान से देखा जाए 5 है, यहाँ पे 13 है ना, एक बार जाए देखिए क्या आता है, थोड़ा तो समझ में कम आ रहा है ना, मुझे भी देखते हैं ये कैसे हल होता है। अगर हमने पहले इसको लिख लिया, ट्रिंगल हो गया, चलिए हम एक लोग बार देख लेते हैं उसके बाद हम लोग सही करते हैं। ट्रिंगल है यहाँ पर, रुकिए ट्रिंगल लिख लेते हैं फिर से, ट्रिंगल है यहाँ पे, देखिए ट्रिंगल है तो इसका यहाँ पर है यू, यस है, यस यू बी जे एच ओ एफ एम, इसमें एक एक ऐड कर रहा है। अगर जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 20, 18, 9, 1, 14, 7, 12, 5, ये हमारा 19, 21, 2, 10, 8, 15, 6, 13, तो हमने देखा कि यहाँ पर ई है, यहाँ पे एक बढ़ाया है, यल 12 पे है, 13 पे किया है, देख रहे हैं 7 पर है, 8 पे किया है, 14 पे है, 15 पे किया है, ए है बी पे किया है, 9 है 10 पे किया है, 18 पर 19 पे किया है, 20 है 21 पे किया है। इसी तरह आपको कंप्यूटर का बनाना है। कंप्यूटर चलिए हम लोग बना लेते हैं, सी ओ एम पी यू टी ई आर न। अब देखिए यहाँ ऐसे बनेगा इसका भी न, अब देखिए ओ 15 पे है, ये 16 पाएगा पी, सी 3 पर है, इस पर 4 पाएगा डी, पी 16 पे, 17 पे क्यू, एम 13 पे, 14 पे आएगा एन, टी है, टी है आपका 20 पर, ये होगा यू, यू का होगा वी, यू वी, आर है 18 पर, 19 पर यस, ई 5 पर है, 6 पर होगा यफ। बताइए क्या होगा, पी डी क्यू एन यू एस एफ, एस एफ, इसका मतलब ये इसका सही जवाब है, डी वालों का जवाब सही है, ठीक है, डी वालों का जवाब सही है। अगला सवाल, आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को, यदि नीरो का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ हो तो उसी वर्ष नीरो का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। देखिए आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को हुआ है, माने मई, मई में कुल कितने दिन होते हैं, मई कितने दिन का होता है, 31 का होता है, ठीक है ध्यान रहे 31 का मई होता है, तो मई में कितना दिन बचा है, 8 दिन, मई खत्म, फिर आते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 अक्टूबर को, ये जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 30, 30 60, 30 60, 30 90, 30 120, 150, 160, 161, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक 161 दिन, 161 दिन आ गया, इनमें 7 से भाग देंगे तो जितना शेष बचेगा विषम दिन होगा, 23 बार गया, जीरो दिन बचा, जीरो विषम दिन है, इसका मतलब जीरो आएगा तो वही दिन होगा, सोमवार था, इसका उत्तर क्या होगा, सोमवार ही होगा, इसका उत्तर क्या होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है, जीरो आने पे वही दिन होगा। कैलेंडर चैप्टर है, मैं आगे उसे पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक, स्क्रीन शॉट चाहे तो कर ले आप लोग जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कल आप लोग लाइव रहेंगे कि नहीं, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। अब आते हैं कथन निष्कर्ष के लिए, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे सभी नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं, जहाँ पर यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से चलती है, मेरी क्लास है जो गेस्ट के रूप में अपने बचे हुए समय पर निःशुल्क में उपलब्ध कराता हूँ। अब आपको बताना है, जैसे बीमार लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है, स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, लोग अपने घर में दवा रखते हैं,
कथन एक है, दो निष्कर्ष है। तो याद रहे, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती, इससे न तो यह निष्कर्ष निकलता कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, यह भी नहीं निकलता लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, यह भी नहीं निकलता। इसका मतलब न तो एक निकल रहा है न तो दो निकल रहा है। ठीक, मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? अगर देखा जाए मांडू विषय, ये 2021 में अगर देखा जाए इसका विषय क्या था, इसका थीम क्या था, खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ, किस राज्य का है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर कोई नया हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। मेरी भी आईडी है फेसबुक पे दुर्गेश अशोक जायसवाल, इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से है। और मांडू महोत्सव का संबंध मध्य प्रदेश से है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश से है। चलिए, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी हाल ही में आपको नोट्स चाहिए तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप करिएगा, अपने साथी मित्रों को बताइएगा, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। बस अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू आप सभी का। शेयर करना ना भूलिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर जगह दीजिएगा। ठीक है, जहां भी हो, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर करिएगा। जय हिंद।